आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तानियों के ऊपर, पाकिस्तानियों के लिए, जो ये बात सुन के उसका फटने वाली है। अब क्या फटने वाली है पता नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अब्दुल्ला किलकर, आप देख रहे हैं टेक्निकल किलकर चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम तो गाय का पेशाब पीते हो, तुम हमारे मुसलमानों का मुकाबला करते हो। तुम कहते हो ये कर देंगे वो कर देंगे। कितने साल से तुम्हारे लोग कश्मीर के ऊपर जुर्म कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं। तुम्हारी आर्मी ने क्या कर रही है? रोक लिया कश्मीरियों को, मना कर लिया कश्मीरियों को, उनके दिल में पाकिस्तान। इस पाकिस्तानी भड़वे कुत्ते को देख लो, ये कहता है तुम गाय का मूत्र पीते हो। यार कुछ समय के लिए मान लिए, चलो हम गाय का मूत्र पीते हैं, इंडिया वाले गाय का मूत्र पीता है। लेकिन यार एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है, जो हिंदुस्तान के गाय का मूत्र में इतना क्या स्वाद है, जो पाकिस्तान वाले बॉर्डर पार करके अपना जान गंवा के गाय का मूत्र पीने आ जाता है। बता क्यों आ जाते हैं? हिंदुस्तान का हिंदुस्तान वाले गाय का मूत्र पीता है। यार हिंदुस्तान के गाय का मूत्र में ऐसा क्या है जो तुम लोग अपने जान गंवा के अपना कुर्बानी दे के गाय का मूत्र पीने के लिए हिंदुस्तान आते हो, वो भी सही से पी के भी नहीं जाते हो? यार हम लोग को बोलो, आजकल ऑनलाइन सब ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसे ऑनलाइन भिजवा देंगे। यार हम पाकिस्तानी का भलाई चाहते हैं। यार बोलो तुम अमेजोन से मंगाओ, फ्लिपकार्ट से मंगाओ, नहीं होगा तो यार हम पोस्ट कर देंगे, तुम्हें एक्सपोर्ट कर देंगे। यार गाय का मूत्र क्यों अपना जान गंवाते हो? पाकिस्तानी एक घट गया तो पाकिस्तान का बहुत सारा घट गया, हमारा हिंदुस्तान का अगर एक घट गया तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। यार रही बात, तुम लोग सिर्फ 20 करोड़, तुम लोग 2017 के जनगणना के अनुसार तुम लोग सिर्फ 20 करोड़ और हम रहे 135 करोड़। कहाँ तुम चीटी चीटी के बराबर हो तुम लोग, और हम कहाँ रहे सोच सकते हो? यार तुम्हें मसल देंगे मसल, सरेआम चैलेंज है। यार तुम लोग हर बात पे चला देंगे, युद्ध करेंगे। यार हमें युद्ध करना है नहीं, तुम लोग छोटे छोटे बच्चे को, इतना इतना बच्चे को यार ट्रेनिंग देते हो, यार आतंकवादी बनाते हो। रही बात फिर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अपने छोटे छोटे बच्चे को आतंकवाद बनाते हैं, हथियार पकड़ाते हैं, इसीलिए 10 आदमी को घायल कर दिया तो अपने आप को महान समझ गया, हाँ हमने ये कर दिया। और देखो यार हिंदुस्तान में आके देखो, हिंदुस्तान के बच्चे को आज गूगल मशीन कहा जाता है, जो गूगल से भी फास्ट चलने वाला मशीन कहा जाता है, रिकॉर्ड है हिंदुस्तान का। आओ एक बार हिंदुस्तान के कहा बच्चे से टक्कर लेकर देखो, चीर देगा। हम हिंदुस्तानी इसीलिए ना युद्ध करते हैं ना बम फेंकते हैं, फिर भी तुम हार जाते हो। यार रही बात 1947 में हमने तुम्हें दो टुकड़े कर दिए, अगर सही से रहना है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का दो टुकड़े ना हो तो सही से रहो, अगर सही से नहीं रहना है, अगर इंडिया में इंडिया का हालात अगर ऐसा ही रहे, अगर इंडिया में तुम लोग अगर घुस के अगर तुम लोगों ने जवान पर वार किया, अगर पीछे से वार किया, तो हमें देरी नहीं होगी पाकिस्तान को दो टुकड़े करने के। इस बात को भेजे में घुसा के रख लो। और रही बात तुम्हारी पाकिस्तान की, तुम्हारा पाकिस्तान का असली मीनिंग क्या है ये मैं तुमको बताता हूँ। एक्चुअली मैंने अगले वीडियो पर बताया है कि तुम्हारा पाकिस्तान का असली मीनिंग क्या है। तुम्हारे पाकिस्तान में से सिर्फ पा हटा दो यार, तुम उसके बाद आगे सोच लो। और रही बात तो अगर ज़्यादा जानकारी लेना है तो इसका लिंक मैं दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से देख लेना पाकिस्तान का रियल मीनिंग क्या होता है। हर तरफ ये देखा जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है, पाकिस्तान इंडिया पर अटैक करने वाला है। मुझे इस बात की आज तक समझ नहीं आ सकी, इतना बड़ा भारत है, इतना सा पाकिस्तान है, 70 साल हो गए तकरीबन, आपको आज तक ये चीज समझ नहीं आई कि अगर आप पाकिस्तान पर कब्जा कर सकते होते तो कब के कर चुके होते यार। ये कहता है पाकिस्तान हिंदुस्तान पर अटैक करने वाला है, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है। और ये भी कह रहा है हिंदुस्तान इतना सा है और पाकिस्तान इतना सा है। यार तुमने आज खुद स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान इतना सा है। और जहाँ तक बात रही इंडिया वाले की, इंडिया वाले ने आज तक भी नहीं बोला कि पाकिस्तान इतना सा है। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के रहने वाले का दिल इतना सा है। ये कहते हैं यार एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है, जो 70 साल हो गया, अगर इंडिया वाले चाहते तो पाकिस्तान पर कब का कैद कर चुके होते। यार पहली बात तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम हिंदुस्तानी पाकिस्तान पर कब्जा करने वाले हैं नहीं। रही बात 1965 की, जो तुम लोग हर बात पे 1965 को याद दिला रहे हो, 1965 ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, यार
जरा से ऊपर जाओ, जरा से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर 1947 में। यार हमने क्या किया, ना हम बम फेंके, ना हम युद्ध किए, ना हम कुछ लड़ाई किए, यार डायरेक्ट में दो टुकड़े कर दिए। और रही बात पाकिस्तान की, तो सारे आम चैलेंज करता हूँ, अब भी तुम्हें दो टुकड़े कर सकता हूँ। और ये भी कहते हैं 70 साल हो गए यार, अगर पाकिस्तान पे चाहते तो कब का कब्जा कर चुके होते। यार पहली बात कि पाकिस्तान पे हमें कब्जा करना है नहीं, या तुम अपने बॉर्डर पे रोक लो अपने फौजों को जो हर रोज़ मारा जाता है पाकिस्तान के ऊपर। यार तुम लोग हर बात पे बोलते हो गाय का मूत्र पीते हो, गाय का मूत्र पीते हो। हर पाकिस्तानी, यहाँ तक के जितना भी आज तक मैंने वीडियो देखे, हर पाकिस्तानी बोलते हैं हिंदुस्तानी गाय का मूत्र पीते हैं, गाय का मूत्र पीते हैं। पर यार हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है, जो अगर हम इंडियन गाय का मूत्र पीते हैं तो इंडियन का गाय का मूत्र इतना स्वादिष्ट कैसे हो गया कि यार बिना बोले बिना बताए यार छुपके से आया तो बॉर्डर पार करके गाय का मूत्र पीने और अपना जान भी गवा देते उसी गाय के मूत्र के पीछे में। यार हिंदुस्तान का गाय का मूत्र इतना स्वादिष्ट कैसे हो गया यार, तुम लोग पीने के लिए आ जाते हो गाय का मूत्र। सुनो पाकिस्तानी, आज तुम खेल की जगत में, खेल की दुनिया में क्या हो, तुम्हारे हालात क्या स्थिति है, तुम कहाँ हो, डर के भाग जाते हो यार, इसलिए आज आपको बताएगा हमारे मोइदुर भाई। हाय। तो मोइदुर भाई आप बताइए इन लोगों का खेल की जगत में, खेल की दुनिया में क्या हाल है, क्या स्थिति है पाकिस्तानियों की। तो सुनो पाकिस्तानियों, इंडोनेशिया के जकार्ता मैदान में चल रहे एशियन गेम में तुम्हारी लेडीज खिलाड़ी रुखसाना खातून, जो हमारे पवित्रता के सामने घुटने टेक दिए, यानी पहला राउंड तो किसी तरह जीत गए, लेकिन पहला राउंड हारने के बाद दूसरे राउंड में आधे ही गेम में वो फील्ड छोड़कर भाग गई। ये है तुम्हारी असली औकात। देख लिया तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या हालात है, और तुम इंडिया से टक्कर लेने की बात करते हो, तुम खेल में तो कुछ नहीं कर पाते यार। तुम पहले खेल में जीत जा, अगर तुम खेल में जीत गए तो हम मान जाएंगे कि हाँ तुम ऐसे ही जीत गए। तुम क्या कश्मीरों की बात करते हो, खेल तो जीत नहीं सकते हो, पीछे से वार करते हो, हिम्मत से सामने से वार करो। बाय द वे फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, और लाइक करें, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहे, ताकि हमारा न्यू वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।